सभी को नमस्ते। मैं जन सरोकार मंच टोंक की तरफ से आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। मेरा नाम अंजलि वर्मा है और मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल बमोर में पढ़ती हूँ। हमने लाइब्रेरी में जुड़कर बच्चों के साथ 1-1.5 साल से काम किया है। साथ ही पहले मैं अजीम प्रेमजी विद्यालय में पढ़ती थी, वहीं से मेरी आदत डायरी लिखने की पड़ी है। मुझे डायरी लिखना काफ़ी अच्छा लगता है, साथ ही वो मेरी रुचि में भी सम्मिलित होता गया है। लाइब्रेरी में मैंने बच्चों के साथ काम करते हुए फोटोग्राफी से भी जुड़ाव बनाया और मैंने जो जो बच्चों के साथ काम किया तथा फोटोग्राफी में जो जो योगदान दिया, उन सभी को मैंने अपनी डायरी के पन्नों में सम्मिलित किया है। आज जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप सभी के साथ अपने डायरी के पन्ने शेयर करना चाहती हूँ। तो उन्हीं में से कुछ डायरी ये है जो मैंने अपने जीवन में लिखी है। कक्षा 5 से शिक्षकों से प्रभावित होकर मैंने डायरी लिखना प्रारंभ किया है, तो आज मैं उन्हीं में से आपको एक अनुभव सुनाना चाहती हूँ। एक नई शुरुआत का अनूठा अनुभव। मैंने अपनी दादी के साथ मिलकर एक नई शुरुआत की थी, जिसमें मैंने उनको पढ़ना लिखना सिखाया और वाकई में मुझे उनके साथ जुड़ने में काफ़ी मज़ा आया। क्योंकि अभी हमारे समाज में हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो अब भी साक्षर नहीं हैं, परंतु धीरे धीरे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, समाज बदल रहा है, तो उन्हें कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो अपनी दादी के साथ शेयर की मेरी बात जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। प्रत्येक सूक्ष्म अनुभव भी जीवन को बहुत कुछ सिखा जाता है। जीवन में शामिल यह सूक्ष्मतम अनुभव ही अग्रसर होने के प्रयास को उत्कृष्टता प्रदान करते हैं। आज जब दादी बैंक से लौटी तो वो काफी परेशान थी। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्हें अपने हस्ताक्षर करने नहीं आते और इस उम्र में उंगलियों के निशान भी नहीं आते, इसलिए वो अपने साक्षर न होने पर पछतावा कर रही थी। दादी की इस परेशानी का हल करने के लिए मैंने उनको कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ना लिखना सिखाने का प्रयास करूंगी। दादी को यह कुछ अजीब सा लगा, इसलिए उन्होंने भी अपने विचार रखते हुए कहा, इस उम्र में पढ़ाई लिखाई कैसे होगी। मैंने उनको बैठाया और सबसे पहले उनका नाम एक कागज पर लिखकर दिखाते हुए कहा, दादी सीखने की कोई उम्र नहीं होती, यदि व्यक्ति के मन में कुछ करने की लगन व जिज्ञासा हो। दादी ने मेरी बात से संतुष्टि व्यक्त की। सर्वप्रथम मैंने दादी को उनका नाम लिखना सिखाने का प्रयास किया। एक कागज पर सबसे पहले तो मैंने वर्णमाला का उच्चारण कर ध्वनि सुनाई, तत्पश्चात उनके साथ से जुड़े अक्षरों को शब्द बनाकर सिखाया। मेरे अनुरूप दादी ने भी प्रयास किया। अंत में उन्होंने कागज पर बार बार अपना नाम लिखा और आखिरकार उनकी जिज्ञासा व लग्न के कारण अपना नाम अर्थात हस्ताक्षर करना सीख लिया। ये देख मुझे बहुत खुशी हुई। साथ ही खुशी का तथा मेरी इस मेहनत का असली फल मुझे जब प्राप्त हुआ, तब दादी ने यह कहा कि यह सब तो काफ़ी आसान तथा मज़ेदार है और यदि कोई पूरी मेहनत करे तो सीख सकता है। साथ ही मुझे ये भी समझने को मिला कि शिक्षा जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है और शिक्षा से सभी कार्य सरल हो जाते हैं। इसी अनुभव से मैंने काफ़ी कुछ सीखा तथा दादी के साथ जो पल व्यतीत किए वो भी मेरी डायरी का हिस्सा बन गए। इसी के साथ मैं आपको अपना अगला अनुभव सुनाना चाहती हूँ। मेरा अगला एक्सपीरियंस, हमारे घर में छोटी सी बकरी थी, तो किसी कारण से उसकी एक दिन मृत्यु हो जाती है और वो जब उसकी मृत्यु होती है तो उस समय वो एक बच्चे को जन्म देती है। तो उस समय माँ के अंदर क्या पीड़ा गुजरती है, वो क्या क्या करती है, उन सबको मैंने अपनी डायरी का हिस्सा बनाया है। वाकई वो दृश्य बहुत भावनात्मक था। मेरी प्यारी कनक, हमें माफ करना, हम तुम्हें नहीं बचा सके। जीवन भी कितना अजीब है ना, कब समाप्त हो जाए कोई खबर नहीं। इसी जीवन की उलझन से आजाद हो हमारी कनक आज सदा के लिए एक ऐसी नींद सो गई जिससे वो चाहकर भी नहीं उठ सकेगी। कनक, तुमने मुझे आज ये बता दिया कि दिल का रिश्ता जितना मजबूत इंसानों से होता है,
उतना ही मजबूत जानवरों से भी हो सकता है। जो गुण इंसानों में भी नहीं होते हैं, वो तूने जीवन के अंतिम सांसों में सिद्ध कर दिया। सारी रात तुमने असहनीय पीड़ा को घनघोर अंधेरे में सहन किया। किसी की नींद ना टूटे, इसलिए तुमने अपनी पीड़ा से उत्पन्न कराह को भी छुपा लिया। एक नए जीव का जन्म हो सके, इसलिए तुमने स्वयं के जीवन को भी उत्सर्गित कर दिया। नई आंखें संसार को देख सके, इसलिए तुमने अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर दी। एक नई गाड़ी गूंज सके, इसलिए तुमने अपने स्वरों को छुपा लिया। कनक, तुमने मरणासन्न स्थिति में भी हिम्मत जुटाकर सांसें बचाई, ताकि तुम ममता की झलक दिखा सको और उन हाथों में अपनी सांसें तोड़ सको जिनसे तुम इस घर में आ सकी थी। तुमने अपनी दयनीय मरणासन्न स्थिति में भी लड़खड़ाते पैरों को ताकत देकर खड़ा किया, ताकि तुम अपने बच्चे को अंतिम बार दूध पिलाकर उसकी भूख से संतुष्ट हो सको। दूध पिलाते समय आंखों से निकल रही कराह तथा अश्रुधारा के साथ तुमने अपनी सांसें देह के साथ हमेशा के लिए छोड़ दी। मेरी प्यारी कनक, तुम्हारी यादें हमेशा हमारे साथ रहेगी। आई मिस यू सो मच। तो इसी तरह से हमारे परिवार में कई सारे सदस्य होते हैं जिनसे हमारा लगाव काफी जुड़ा होता है। इंसान ही नहीं बल्कि प्रत्येक जानवर के साथ भी हमारा जुड़ाव हो सकता है। तो जब हम डायरी लिखते हैं तो उनके साथ जुड़ी हुई हमारी भावनाएं तथा हमारी खुशी, हम उनके बारे में क्या सोचते हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचते होंगे, वो सब डायरी के पन्नों पे आ जाती है। और जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो सारा दृश्य साफ साफ दिखाई देने लगता है। इसी के साथ मैं आपको एक और अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। शेयर करना चाहती हूँ अपनी फीलिंग्स, वो भी एक स्त्री के ऊपर, क्योंकि हमारे समाज में हम देखते आए हैं कि स्त्रियों की स्थिति अभी भी दयनीय है। चाहे हम शब्दों में उसे कितना ही अच्छा बताएं, हमारी व्यवस्था को कितना ही अच्छा कहें, लेकिन जितना हम देखते हैं तथा घर में हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, वहां हमें ये देखने को नहीं मिलता। और वुमेन्स डे के दिन मैंने अपनी कविता को डायरी में कैद किया है। मत कहो मुझे अच्छी संस्कारी कि दुखने लगे हैं जकड़े पंख, मत कहो मुझे अच्छी संस्कारी कि दुखने लगे हैं जकड़े पंख, लुभाता है आसमान का न्योता, बख्शो हे परमपिता। मत बनाओ देवी आंगन की तुलसी की जड़ता नहीं, गतिशीलता की चाह है, तय है मंजिल और सामने लंबी राह है। शाम ढलते ही घर लौट आऊं, ये अब हो नहीं सकता, बख्शो हे परमपिता। तो इस कविता के माध्यम से मैंने अपनी सारी भावनाएं इसमें व्यक्त की हैं। डायरी लिखना एक जीवन का बहुत अहम पहलू है, क्योंकि जब हम कभी अकेले होते हैं या फिर हमारे साथ कोई भी नहीं होता, तब डायरी एक ऐसा दोस्त बनती है जो कभी अपना जजमेंट नहीं देती और हमें उत्साहित करती है कुछ करने के लिए। जब हम उन लिखी हुई बातों को पढ़ते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है। और मैं आप सभी को यही सलाह देना चाहूंगी कि आप अपने अनुभवों तथा अपनी यादों, अपने पलों तथा अपने परिवार के साथ बिताए गए प्यारे और खट्टे मीठे पलों को अगर डायरी में लिखेंगे तो आपको काफी खुशी होगी। साथ ही हमारे बढ़ते हुए दौर में ना तो हमें माता पिता समय दे पाते हैं और ना ही कोई दोस्त, और समय की भी काफी कमी है। तो अपने अकेलेपन तथा चिड़चिड़ेपन को दूर करने के लिए हम डायरी का सहारा ले सकते हैं। डायरी हमारे जीवन में बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि इससे माइंड कूल रहता है तथा स्ट्रेस कम होता है, और जितनी भी परेशानियां और जितनी भी दिक्कतें होती हैं उन सब का हल हमें मिल जाता है। साथ ही डायरी में लिखने के बाद हमारा जो लक्ष्य होता है वो निर्धारित हो जाता है, और लक्ष्य निर्धारण के बाद हम उस मार्ग पर चलने लगते हैं। साथ ही शिक्षकों की सिखाई बातें और ये सब याद आने लगती हैं। जब मैंने डायरी लिखना प्रारंभ किया था तो उस समय मुझे अपने शिक्षकों ने काफी प्रभावित किया था, खासकर छोटे लाल जी सर और नेमाराम जी सर ने। उन्हीं के साथ के कारण मैं इतनी आगे बढ़ पाई और आज आप सबके सामने बोल रही हूँ। तो
डायरी लिखने का यह फायदा है कि हम आत्मविश्वास से भर जाते हैं और साथ ही हमें एक शक्ति मिल जाती है कुछ नया करने की। सारी मुसीबतें, परेशानियां और जो भी बात हमसे सुलझती नहीं है या जिनका हल हमें नहीं मिल पाता, वो हम स्वयं डायरी के माध्यम से निकाल सकते हैं। मैंने अपनी डायरी लिखते हुए कभी कभी पापा के साथ शेयर किया है, तो कभी शिक्षकों के साथ, कभी दोस्तों के साथ, और मैंने सभी को यही सुझाव दिया है कि अपनी बात को अगर डायरी में लिखकर पढ़ोगे ना, तो काफी सुकून मिलेगा। साथ ही अपनी बात को लिखकर पढ़ने के बाद नींद भी काफी अच्छी आती है। डायरी लिखने से कई सारे ऐसे सुझाव और पहलू होते हैं जो हमारे सामने आ जाते हैं। हम अपना एक अलग नजरिया प्रस्तुत कर पाते हैं और एक नए नजरिए से दुनिया को देख पाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम किताबें पढ़ते हैं और लोगों से जुड़ते हैं, तो वो बातें हमारे लेखन में भी आती हैं। साथ ही डायरी लिखने का ये एक फायदा है कि राइटिंग स्किल डेवलप होती है और साथ ही हमारी मानसिकता का भी विकास होता है। और इसी के साथ जो इंसान है वो सुलझा हुआ बनने का प्रयास करता है, सारी तकलीफें उसे दूर दूर लगने लगती हैं। और जब कभी भी उसके साथ कोई नहीं होता, तो डायरी एक विश्वास पात्र बनकर उसके साथ खड़ी होती है। तो आप सभी के साथ जुड़कर मुझे काफी अच्छा लगा तथा अपनी बात शेयर करने करके भी मुझे काफी अच्छा लगा। तो इसी के साथ मैं आपको अपना एक और अनुभव सुनाना चाहूंगी। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। संस्कृत की एक उक्ति है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। अर्थात मन ही व्यक्ति के बंधन और मोक्ष का कारण है। साधारण शब्दों में इसका मतलब यह है कि अगर व्यक्ति का मन चाहे तो वह बड़े से बड़े बंधन की भी उपेक्षा कर सकता है, और यदि मन न माने तो छोटे छोटे संबंध भी व्यक्ति को अपने में जकड़ने के लिए पर्याप्त होते हैं। कभी कभी हम अपनी शक्ति अथवा बल का अनुमान नहीं लगा पाते और हार मानकर या तो चुपचाप बैठ जाते हैं, या हार से बचने और हार के कुपरिणामों को भोगना न पड़े इसके लिए हम भाग खड़े होते हैं। यह स्थिति हमारी हीन मानसिकता का परिचायक है। वस्तुतः मन मानव व्यक्तित्व का वह ज्ञानात्मक रूप है जिससे उसके सभी कर्म संचालित होते हैं। मन में मनन करने की शक्ति होती है। मन संकल्प और विकल्प का पूंजीभूत रूप है। मन की मननशीलता के कारण ही मनुष्य को चिंतनशील प्राणी कहा गया है। हमारा मन अंतकरण के आचारों का सुविचारी होता है, अतः यह कथन नितांत ही सही है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इस अनुभव को पढ़ने के बाद मेरे साथ साथ आपको भी एक सीख मिली होगी कि अगर हम मन में एक बात ठान लें कि हमें यह करना है, तो हम उस चीज को करके ही रहते हैं। और मन और दिमाग, कहीं कहीं कभी कभी आपने भी देखा होगा या महसूस किया होगा कि जब हम कोई निर्णय लेने लगते हैं तो मस्तिष्क का निर्णय अलग होता है और मन का निर्णय अलग। परंतु मस्तिष्क से लिए गए निर्णय भी कभी कभी सही होते हैं और मन से लिए गए निर्णय भी सही साबित होते हैं। मन हमारा जो होता है वो बहुत लचीला होता है, किसी भी चीज में लग जाता है, और मस्तिष्क निर्णय को सही ढंग से नापता और तोलता है तथा उसकी तुलना करता है, और इसी तरह से हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो दूसरा अनुभव मैं आपको लाइब्रेरी तथा फोटोग्राफी से जुड़ते हुए, मैंने कार्यशाला में भी काम किया है जिसमें हमने नाटक करना तथा ऐसे ही कला के क्षेत्र में काम किया था, तो उसका एक अनुभव मेरे पास है जो मैं आपको साझा करना चाहती हूँ। आज दिनांक 2 जून 2018 है। आज मैं अपने दोस्तों के साथ हर दिन की तरह कार्यशाला के यथास्थान यानी कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंची। मुझे वहां जाना वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों से मिलना, बातें करना, खेलना, काम करना वास्तव में बहुत ही अच्छा लगता है। वहां पहुंचकर मेरी मुलाकात मेरे दोस्तों और भाइयों से हुई। हमने कुछ एक्सरसाइज की, खेल खेले और
और उसके बाद में हमने नाटक की प्रैक्टिस की और लगभग 10 बजे लंच किया। लंच के पश्चात मुख्य नाटक पर वापसी की तैयारी की। जब हम डायरी सुनने के लिए गोला बनाकर बैठे तो सर ने कहा कि पिछली बार की तरह फिर से तुम्हारी फोटो अखबार में छपी है। ये कहते ही हम फोटो देखने के लिए हतोत्साहित तो हो गए। सर ने हमें अखबार में छपी खबर फोन में दिखाई। मैंने सर से कहा कि मुझे ये खबर मिल सकती है क्या? मैं इस खबर को छुट्टियों के बाद में स्कूल में सभी को दिखाऊंगी तो वो खुश होंगे। सर ने मुझे उसकी फोटोकॉपी दे दी। घर आते ही मैंने वह खबर सबको बताई तो सभी ये जानकर बहुत खुश हुए। कई कई ऐसी बातें होती हैं जिन पर हमारे घर वालों को भी गर्व होता है तथा हमें भी उन्हें करने के बाद खुशी मिलती है। कार्यशाला का अनुभव भी कुछ ऐसा ही था। सबके साथ मिलना, रोजाना सुबह एक नियमित समय पर जाना और प्रैक्टिस करना, खेलना कूदना, जैसे सभी दोस्त मिल जाते थे तो सभी अच्छा लगता था। और वहाँ पर मैंने भैया के साथ साथ ही सर के साथ भी काफी समय व्यतीत किया और उनके मन की फीलिंग्स तथा वो क्या सोचते हैं उन सबको जानने का मौका मिला। एक नई जगह पर जाने का मौका मिला जहाँ पर हमने नाटक प्रस्तुत किया और सभी के नाटक देखकर भी अच्छा लगा। साथ ही डायरी में ऐसा भी होता है कि हम जब लिखते हैं तो हमें अपनी भावनाओं का पता लगने लगता है कि हम आखिर सोचते क्या हैं। साथ ही खुद को समझने का भी मौका मिलता है कि मेरी खूबियाँ क्या है, मेरी खामियाँ क्या है, मैं इनमें कैसे सुधार कर सकता हूँ। गलतियों से सीखने का मौका मिलता है। जो भी हमारी गलती या अच्छाई होती है हम उसे जब डायरी के पन्नों में लिखते हैं तो वो हमारे सामने आ जाती है और उसे लिखने के बाद हम उस पर मनन या चिंतन करते हैं तो हमें गलती भी सुधारने का मौका मिलता है। साथ ही खुद को समझने का मौका तो ऐसे मिलता है कि हम अपनी कमियों को देखते हैं, खामियों को देखते हैं और दूसरों के साथ सलाह करते हैं तो हमें उसे समझने का भी मौका मिलता है। साथ ही मैंने आपको बताया भी था कि लाइब्रेरी में मैंने बच्चों के साथ काफी काम किया है और आप देख सकते हैं मैंने बच्चों के साथ रोजाना कई सारी गतिविधियां की हैं तथा उनका अनुभव भी इसमें लिखा है। उसी में से एक अनुभव आपको सुनाना चाहूंगी। ओरिगेमी इन रेनी सीजन, जब हम ओरिगेमी कर रहे थे तब वहां पे बरसात हो जाती है तो बच्चे काफी खुश होते हैं और बरसात में खेलने लगते हैं। साथ ही अपने जो नाव या कुछ भी वो अपने आर्ट में बनाते हैं उसे देखकर और सबको दिखाते हैं और बारिश में खेलते हैं तो उस दिन का अनुभव काफी खुशनुमा था। आज भी बच्चों की उपस्थिति अधिक थी। सर्वप्रथम तो सब एक गोले में बैठ गए तथा कल का अनुभव सुनाने लगे। मैंने बच्चों से उनकी रुचि अनुसार पूछा कि वे क्या करना चाहते हैं तो 5-6 बच्चों ने चित्र बनाना चाहा। मैंने उनको दूसरे समूह बना दिया तथा जो ओरिगेमी करना चाहते थे वो मेरे साथ में बैठ गए। मेरे पास कुछ उपाय नहीं था इसलिए मैं यूं ही पेपर से ट्राई करने लगी और देखते देखते वह एक डॉग बन गया। मैंने बाकी बच्चों को भी हेल्प की। तभी बारिश को देख मैंने बच्चों को पहले तो एक खेल खिलाया और फिर बारिश ज्यादा होने लग गई थी इसलिए फिर थोड़ी देर बच्चों को रोक के और घर पे भेज दिया। लाइब्रेरी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम सब मिलकर खूब अपने अनुभव शेयर करते हैं, किताबें पढ़ते हैं तथा बच्चों के साथ जुड़ते हैं। और बच्चों के साथ जुड़ना मुझे काफी अच्छा लगता है। उनकी बातें जानना और उनसे अनुभव सुनना, उनकी किताबों को देखना, ये सब ऐसा लगता है जैसे बचपन वापस लौट आया हो। अपनी यादें ताजा हो जाती हैं कि हम भी ऐसे पढ़ा करते थे, ऐसे बोला करते थे, ऐसे खेला करते थे, तो सब कुछ काफी अच्छा लगता है। साथ ही मैं आपको एक दादी की बात बताना चाहूंगी जो हमारी लाइब्रेरी में रोजाना आती है। ऐसा कभी कभार ही होता है जब वो नहीं आती तो इस उम्र में भी उनकी रुचि देखकर मुझे काफी अच्छा लगता है और उनकी इसी बात को मैं हमेशा याद रख सकूं इसलिए मैंने उसको भी डायरी में लिखा है। आज बच्चों की छुट्टी थी पर मैं अपनी किताबें लेकर लाइब्रेरी गई थी। मैं लाइब्रेरी रूम में बैठकर अपना काम कर रही थी
तभी कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने सोचा कोई बच्चा होगा, तो देखा कि शिवानी की दादी थी। उन्होंने खुशी से मेरे सिर पर हाथ फेरा और दुआएं दी थी और कहा कि आज घर पर काम न सिर सिर पर हाथ फेरकर कहा कि आज घर पर काम नहीं था तो चली आए। मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ आया करो। उन्होंने बताया कि अभी समय ही नहीं मिल पाता है। उन्होंने फिर मुझे चेहरे पर हाथ रखकर आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। मुझे काफी अच्छा लगा और वहां से चली गई। जब बड़े हमें दुआ देते हैं या आशीर्वाद देते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है, और उस दिन मुझे सच में उनके साथ में वो वहां बैठी उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए और हमसे भी लाइब्रेरी के बारे में पूछा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, बच्चे क्या करते हैं। साथ ही सबने मेरी बात भी सुनी। वहां पर मेरे कुछ दोस्त भी उपस्थित थे, तो वो दादी हमारे साथ हमेशा से जुड़ती थी, बस अभी कुछ काम के चलते हुए वो नहीं आ पाती हैं। एक और अनुभव है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। आज जब मैं लाइब्रेरी पहुंची तो ईश्वर ने ताला खोल रखा था। मैंने फर्श बिछा करके बच्चों को उस पर बैठा दिया और बीच में किताबें रख दी। कुछ समय तक मैंने उनको किताबें दी तथा फिर सबकी किताबें नीचे रखवा कर उनको एक जूतों से संबंधित कहानी सुनाई जिसमें चित्र भी थे, जिसे देखकर बच्चों को काफी मजा आया। तथा उसी से संबंधित एक्टिविटी के लिए मैंने बच्चों को पेपर व कलर दे दिए तथा उन्हें इमेजिन कर चित्र बनाने के लिए कहा कि तुम कैसे जूते चाहोगे। तो बच्चों ने पंखों, पहियों तथा अनेक प्रकार के जूते बनाए और बताया भी कि वो उन जूतों का कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो इस गतिविधि के माध्यम से बच्चों की कल्पनाएं थी वो सब सामने उभर कर आई, और अच्छा लगा उनकी कल्पनाएं जानकर कि बच्चे कितना सोचते हैं। ऐसा ही एक अनुभव था जब मैंने बच्चों को जादुई छड़ी बनाना सिखाया कागज से। तो उन्होंने जादुई छड़ी बनाई और मैंने उनसे कहा कि अगर मानो तुम्हारे पास अगर ऐसी जादुई छड़ी आ जाए तो तुम उससे क्या करना चाहोगे। तो किसी ने कहा कि हम कई सारे कपड़े ले लेंगे और उनसे कहेंगे कि हमें कहीं कभी स्कूल जाना ही नहीं पड़े। तो उन बच्चों की बातें सुनकर कभी कभी तो हंसी आने लग जाती, और साथ ही उनसे कुछ नया सीखने को भी मिलता। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा स्कूल में ही सीखते हैं, बाहर भी ऐसा वातावरण हमें मिल पाता है जहाँ से हम सीखते हैं। एक ऐसा ही वातावरण है लाइब्रेरी। जब कभी मेरा लिखने का मन नहीं करता तो मैं अपने अनुभव को चित्रों के माध्यम से भी व्यक्त करती हूँ, और आपको भी एक कविता भी सुनाई थी। इसी तरह से मैं कविताओं के माध्यम से भी अपने अनुभव को व्यक्त करती हूँ। जैसे एक दिन मैं अपने घर के बाहर बैठी हुई थी तो वहां पर मुझे एक दृश्य दिखाई देता है। सामने सूरज उग रहा था और चारों तरफ उसकी रोशनी फैली हुई थी, और आसपास पेड़ थे जिनमें से सूर्य की किरणें छन छन कर आ रही थी जो काफी सुंदर लग रही थी। और उन्हीं पेड़ों के आसपास एक खेत था जिसमें सरसों के फूल आ रहे थे और एक दीवार लगी हुई थी। ये दृश्य काफी मनमोहक था, वहां पर कोई भी नहीं था, मैं अकेली बैठी थी। तो उस दृश्य को देख देख के मन में एक विचार आ रहा था कि हमारी प्रकृति कितनी सुंदर है। अगर हम उसकी सुंदरता को देखना चाहें तो हम अगर अपने घर से बाहर भी निकल कर देखते हैं तो पेड़ को देखने पर भी हमें उसकी सुंदरता का पता चलता है। ऐसे ही मैंने ये चित्र बनाए हैं। सातवीं क्लास में जब मैंने डायरी लिखना थोड़े दिनों के लिए छोड़ दिया था तो मेरा स्वभाव में जैसे परिवर्तन आ गया था। मैं आत्मविश्वास नहीं रख पाती थी, लेकिन वापस से सर ने मुझे उत्साहित किया डायरी लिखने के लिए कि अगर तुम अपनी भावनाओं को लिखोगी तो तुम्हें खुद भी अच्छा लगेगा और तुम आत्मविश्वास से भी परिपूर्ण हो सकोगी। तो मैंने फिर से डायरी लिखना प्रारंभ किया तथा मैं अपने शिक्षकों, खासकर छोटे लाल जी सर और नेमाराम जी सर को शुक्रिया कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे डायरी लिखना एक ऐसी आदत से जोड़ा जिससे मैं अपने पूरे जीवन को अच्छा बना सकती हूँ, और मुझे ये काफी अच्छा लगता है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। डायरी लिखा, अगर हम धीरे धीरे डायरी लिखेंगे तो वो हमारे जीवन में शामिल हो जाएगा और एक ऐसी हैबिट बन जाएगा जो आगे तक लगातार चलती रहेगी, और
वो हैबिट हमें कुछ नया करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। डायरी में लिखने पर हमारे पास कई सारे ऐसे आइडियाज भी आते हैं जिनसे हम प्रभावित होते हैं तथा कुछ नया करने के लिए सोचते हैं। जैसे कि लाइब्रेरी में रहते हुए तथा डायरी लिखते हुए मैंने सोचा कि मुझे लगता है कि मेरे लिखने का जो तरीका है वो काफ़ी अच्छा है। मुझे अपनी खूबी आपको बताने में काफ़ी खुशी मिल रही है, इसलिए मैं बताना चाहूँगी कि मेरे मन में ये विचार आया था कि मैंने बच्चों के साथ जो भी काम किया है उसे मैं अपने एक किताब के रूप में बनाऊं। तो इसी तरह से जब आप डायरी लिखेंगे तो आपके मन में कई सारे विचार आएंगे और आपको खुशी मिलेगी नए नए तरीके खोजने में, नए नए लोगों से बात करने में, और एक फ्लो बन जाएगा आपका डायरी लिखने में। तो आज किस बात के माध्यम से आपको जानने को मिल रहा होगा कि लेखन के माध्यम से भी हम अपने संपूर्ण जीवन को एक किताब का स्वरूप दे सकते हैं और वो किताब हमेशा के लिए हमारे जीवन को दूसरों के सामने प्रस्तुत करती रहेगी। डायरी डायरी और तो इसी के साथ अन्नपूर्णा दीदी ने एक प्रश्न पूछा है कि बेटा जब आप डायरी नहीं लिख पाते हो तो कैसा लगता है। तो मैं उनके सवाल का जवाब देना चाहूंगी कि जब मैं डायरी नहीं लिखती हूँ तो मुझे जैसे रात को तो एक नींद नहीं आती जल्दी से, और सारी जो मतलब परेशानियाँ और तकलीफें होती हैं वो सामने आ जाती हैं कि आज हमने ये नहीं किया, ये कैसे होगा, ये किससे कहूँ, क्या करूँ। तो ऐसी कई सारी परेशानियाँ सामने आती हैं, और जब डायरी में वो बात लिखती हूँ तो मुझे जैसे सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं और मैं लिखते ही उस बात को सोचने के लिए मजबूर हो जाती हूँ कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है। साथ ही जो समय है वो भी व्यवस्थित हो जाता है। दूसरा सवाल उन्होंने ये पूछा है कि आप लोगों के साथ अरिजीत दा का साथ और सहयोग साझा करिए। अरिजीत दा के साथ हमने काफी काम किया है, फोटोग्राफी से रिलेटेड तथा लाइब्रेरी में भी वो रोजाना आते हैं। उनके साथ उन्हीं की वजह से मैं बच्चों के साथ जुड़ पाई, लाइब्रेरी में काम कर पाई तथा कैमरा चलाना सीख पाई। कैमरा चलाने में मुझे काफ़ी मजा आया और शायद ये अरिजीत दा की वजह से पॉसिबल हो सका। उन्होंने हमें सोचने का एक नया नज़रिया सिखाया कि हम अब जब भी पहले मैं ये नहीं देखती थी कि आसपास हमें क्या दिखाई दे रहा है। जैसे चलती जाती थी तो सामने कोई चीज़ नहीं आती थी, और जब चलती हूँ तो सामने अगर कचरा भी दिख जाता है तो उसके बारे में भी रुककर 2 मिनट सोचती हूँ। और मुझे अरिजीत दा के साथ में जुड़ने से इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि जब वो हमारे साथ बैठते थे तो हमें एक नया परिवेश मिलता था, सब लोगों से मिलने का, बातचीत करने का मौका मिल पाता था तथा अपनी सोच को, अपने नजरियों को बदलने का एक मौका भी मिला। वरना जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ अंधविश्वास और कई सारी ऐसी रूढ़िबद्ध बातें हैं जो अभी भी चली आ रही हैं, जो हमारे मस्तिष्क को झकझोर कर देती हैं, उनसे दूर निकलने का एक मौका मिला। और मैं अरिजीत दा को भी धन्यवाद देना चाहूंगी। बाकी आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो आप नीचे लिख सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़े इसके लिए मैं आप सभी का एक बार फिर से आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही मुझे डायरी लिखते वक्त अरिजीत दा ने मुझे एक सुझाव दिया था कि तुम डायरी लिखते हो तो इसे एक बार अपने व्यवहारिक जीवन में भी देखा करो, साथ ही दूसरों को सुझाव भी दिया करो। तो मुझे उनकी इस बात ने मुझे काफी प्रभावित किया, और जब मैं लिखती हूँ तो उसके बारे में कम से कर जरूर सोचती हूँ कि मैंने क्या लिखा है, आज मैंने क्या किया। साथ ही डायरी लिखने से दिन में जो भी काम किया होता है वो सब सामने आ जाता है, और उनमें से एक ऐसा पल जो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है उसी को मैं अपनी डायरी का हिस्सा बनाती हूँ। आपका अगर और कोई सवाल हो तो आप लिख सकते हैं।
अब अपना अंतिम अनुभव सुनाना चाहूंगी। जब मैंने नई स्कूल में एडमिशन लिया, अभी एक साल पहले मैंने जब गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया तो वहां पर मैंने फर्स्ट बार एंकरिंग की। और जब मैंने एंकरिंग की तो मुझे काफी डर लगा, लेकिन जैसे ही मुझे वो बातें याद आने लगी कि जैसे मैं पहले स्कूल में बोला करती थी, वैसे अगर यहाँ भी बोलूंगी तो मुझे डर नहीं लगेगा। और साथ ही अपनों की सिखाई बातें सामने आने लगी। और उस दिन मुझे एक प्राइज भी मिला जिसने मुझे काफी खुशी दी, और उसी खुशी को मैंने अपनी डायरी में लिखा है। शिक्षकों द्वारा कही गई दो पंक्तियां भी हमारे जीवन में एक नई शुरुआत के लिए एक अभिन्न तथा अहम हिस्सा बन जाती है। आज हमारे विद्यालय में बाल सभा का आयोजन किया गया और मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। साथ ही मुझे मंच संचालन का मौका भी दिया गया। आज ऐसा मौका मेरे समक्ष पहली बार था जब मुझे बिना तैयारी के, बिना किसी शिक्षक की सहायता के मंच संचालन करना था। मुख्य अतिथि टोंक के सीईओ थे, जिनसे मैं पहले से परिचित थी। मैंने उनका तिलक लगाकर स्वागत किया। मंच पर बोलने से पहले मैंने अपने शिक्षकों की सिखाई बातों को स्मरण किया, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती पंक्तियों से मैंने अपनी बात का प्रारंभ किया, जो कि मैंने उन्हीं से सीखी थी। इस पंक्ति ने मुझे हौसला प्रदान कराया। तत्पश्चात बजने वाली तालियों ने मुझे बोलने को प्रेरित किया। मुझे स्वयं पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मैं अपने संचालन द्वारा लोगों का ध्यान आकर्षित कर पाऊंगी, परंतु जब अंतिम में मुझे मंच संचालन करने तथा आशुभाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए पुरस्कृत किया गया, साथ ही प्रिंसिपल ने भी तारीफ की, परंतु कार्यक्रम के अंत में मैंने इसी नाम का श्रेय अपने शिक्षकों को ही दिया, क्योंकि उन्होंने ही मुझे हाथ आगे करके मंच पर चढ़ना सिखाया है। और आगे भी मेरी प्रत्येक सफलता का प्रथम श्रेय मैं उन्हीं को अर्पित करना चाहूंगी। इसी के साथ फिर से अन्नपूर्णा मैम एक सवाल पूछ रही हैं। तो उन्होंने सवाल पूछा था कि जब आप डायरी नहीं लिख पाते हो तो कैसा लगता है। तो डायरी नहीं लिख पाते हैं तो हमारी जो भावनाएं हैं वो अभिव्यक्त नहीं हो पाती हैं, वो हमारे सामने नहीं आ पाती हैं। तो मुझे जब जैसे मुझे अंदर से तसल्ली नहीं मिल पाती थी कि मैंने किसी के साथ अपनी बात शेयर नहीं की, और कोई ऐसी बात होती थी जिसे बताए बिना मुझे रहा नहीं जाता था, तो उस समय तो मुझे बहुत अजीब फील होता था। तो मैं अपनी डायरी उठाकर और उसमें अपने अनुभव को लिख देती थी। साथ ही मोहित भैया ने एक प्रश्न नहीं बल्कि एक अनुभव शेयर करने को कहा है कि अपनी उम्र की और भी बालक बालिकाओं के साथ डायरी को लेकर कोई अनुभव। तो मैंने एक अनुभव लिखा है जिसमें हम सभी दोस्तों ने मिलकर एक पार्टी प्लान किया था, हमने काफी मजा भी लिया। आज बहुत दिनों के बाद ऐसी खुशी मिली। आज दीपक ने हमें फाइनल मैच जीतने की खुशी में लाइब्रेरी में पार्टी ऑफर की। नीतू, मैं, सपना, सुमन तथा सूरज, हम सबने आज मिलकर खूब आनंद में समय व्यतीत किया। टुडे वी फील हैप्पी टुगेदर। सभी बच्चों के जाने के पश्चात दीपक ने कचौरी मंगवाई तथा हम सबने एक साथ टेबल पर बैठकर हंसी मजाक करते हुए तथा फोटो खिंचवाते हुए गर्मा गर्म कचौरियों का आनंद लिया। सभी चिंताओं को छोड़ दोस्तों के साथ में एक समय खूबसूरती का पल बिताना मन को एक खुशी प्रदान करता है। इस छोटी सी पार्टी के माध्यम से एक दूसरे के बारे में और ज्यादा गहराई से भी जानने को मिला तथा मन मुटाव भी साथ मिलने के कारण दूर हुए, परंतु यह खुशी तथा यह नाम मात्र के पलों को अगर नाम मात्र के पलों को जब हम डायरी में लिखते हैं तो यह हमेशा के लिए हमें याद हो जाते हैं। और यही जो पार्टी थी इसने हम सबको एक बार फिर से खुश कर दिया, और कई दिनों बाद हम एक साथ मिले थे
तो उसी खुशी के कारण मैंने ये अनुभव लिखा है, तो शायद आपको भी अच्छा लगा होगा। अगला सवाल है कि गांव में अंधविश्वास के बारे में आप क्या सोचते हो? तो अंधविश्वास को लेकर मैंने पहले भी अर्जिता के साथ और बाकी दोस्तों के साथ मिलकर एक एग्जीबिशन की थी, जिसमें मेरा टॉपिक अंधविश्वास ही था। हम चाहे कितना ही कहें, लेकिन अंधविश्वास पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकता। गांव में आज भी वही स्थिति है, जैसे ही लोगों को सांप काट लेता है या कोई बीमारी हो जाती है तो वो डॉक्टर से पहले किसी ओझा या बाबा के पास जाना ज्यादा पसंद करते हैं। कलाई में काला धागा बांधकर अपने को चिंता मुक्त करने का प्रयास करते हैं, गले में ताबीज बांधकर अब पीढ़ी दर पीढ़ी अंधविश्वास को स्थानांतरित करते हैं, तथा आज भी अंधविश्वास की वही नींव हमारे समाज में रखी हुई है। गांव में आज भी लोग उसी तरह से जीते आए हैं, लेकिन मैं उन सबको यही कहना चाहूंगी, समय बदल रहा है और हमें भी समय के साथ बदलना होगा। आधुनिक जीवन में अंधविश्वास के साथ हम नहीं जी सकते, क्योंकि समय ने हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप भी अंधविश्वास में न रहकर उससे आगे निकलने का प्रयास करें। तो सतवीर जी सर ने एक सवाल पूछा है कि क्या आपको कभी ये सोचना पड़ता है कि कौन सी बात लिखनी चाहिए और कौन सी नहीं? तो उनका ये सवाल काफी सही है, क्योंकि कभी कभी लगता है कि आज क्या लिखें, क्योंकि दिन में कभी कभी तो ऐसे पल होते हैं जो अच्छे होते हैं तो उनको तो हम लिख देते हैं, लेकिन कोई कोई दिन ऐसा भी होता है जब हमें लिखने को ही नहीं मिलता कि आज क्या लिखें। तो उस दिन मैं सोचने लगती हूँ कि आज क्या हुआ, आज क्या नहीं हुआ, तो छोटी छोटी बातों को गहनता से सोचती हूँ और फिर उनमें से एक जो बात मुझे सबसे अच्छी लगती है उसे सिलेक्ट करके लिखती हूँ। नहीं तो जो भी विचार मेरे मन में चलते हैं या जो भी सवाल मैं पूछना चाहती हूँ अपने आप से और अपनी डायरी से, तो उन्हीं को उसमें लिखती हूँ। छोटे लाल जी सर ने क्वेश्चन पूछा है कि बेहतर सीखने के लिए डायरी कैसे आपका सहारा बनती है? मैं ये कहना चाहूंगी कि डायरी एक ऐसा माध्यम है जो सीखने के लिए हमें अग्रसर करती है, क्योंकि विचारों को हम जब एक जगह करते हैं तो वो हमें काफी नए आइडिया की तरफ अग्रसर करते हैं, तथा नया सीखने के लिए प्रेरित भी करते हैं। जो भी हमने सीखा या हमने जो भी देखा या सीखने का प्रयास किया, उसको हम जब डायरी में लिखते हैं तो वो बात हमें फिर से रिमेम्बर होती है। साथ ही डायरी लिखने से राइटिंग स्किल डेवलप होती है, और आगे चलकर जब हम लिटरेचर में ग्रेजुएशन करते हैं तो उसमें भी डायरी लिखने के तरीके पर कई सारे प्रश्न आते हैं, जिनको हम अगर डायरी लिखें तो हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ।